बराबर नहीं। देखिए, ये सेम कंपनी जब अपनी कार एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, तब 6 एयरबैग लगाती है, और हमारे यहाँ तैयार करती तो 4 लगाती है। क्या हमारे गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये मैं उनके आर्ग्यूमेंट से मैंने आपको एक अच्छी बात बता दी। ये एयरबैग्स की टेक्नोलॉजी में जो मैन्युफैक्चरर है उनको मैंने बुलाया, और पहले मुझे पता चला कि इससे कॉस्ट कितनी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? कुछ नहीं एक्चुअली, अगर वो लंबर बढ़ेगा तो ये 4 से जो है ये एक एयरबैग की कीमत 900 रुपये के अंदर आएगी बस। हाँ, मैं तो पढ़ा था 50-60 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी वो। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं ज़्यादा, जब नंबर बढ़ जाता वो कम हो जाएगी। पर क्या होता है कि एक भाई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैंने कहा ऐसा मत करो, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, 4 जगह पैर टूटा था, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो ये चर्चा चल रही कि अक्टूबर से ये जो एयरबैग्स हैं खासतौर से रेड सीट्स पे, क्या आप उनको कंपलसरी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, होगा, नहीं होगा? ऑलरेडी इट इज़ इन द प्रोसेस, कुछ अप्रूवल्स हमको चाहिए, उसके लिए लगा हुआ है। क्योंकि ये जो साइरस मिस्त्री जी की डेथ हुई उसके बाद ये मामला पूरा एक बार फिर से आ गया, तो आप अभी उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं? आपके देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, और जो कुछ स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हम लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल हमको जान बचाना है लोगों की, ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता दो आपको, टोटल 3.2% GDP का नुकसान रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा है, ये कितना बड़ा नुकसान है। और 3-3 लाख लोग हाथ पैर टूट जाता है बेचारे, उनका लाइफ खराब हो जाता है, वो कितना बड़ा नुकसान है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी का यंग लड़का है, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, उसके पैर टूट जाते हैं। देखो, ये कॉम्प्रोमाइज़ का विषय नहीं होता, हमें लोगों की जान बचाना इज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी। और मुझे इस बात को स्वीकार करने में दुख नहीं है कि मैं 7 साल से मंत्री हूँ, सब चीज़ों में हम लोग सक्सेस हो गए, पर अभी भी मुझे इस बात का दुख है कि रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट्स और डेथ में हम जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाए, इसका दुख है। एयरबैग्स के अलावा दूसरा बड़ा इशू है रेयर सीट बेल्ट्स का। मेरे को नहीं मालूम कितने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसके हिसाब से पीछे जो बैठा है शख्स उसको भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। आप ये बात छोड़ दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे। मैं आपको नई बात बताता हूँ, नाम मत पूछना। मैं अभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गया था ये 1 साल में, तो उनके गाड़ी में बैठा, मैं सामने बैठता हूँ, तो सामने बैठते पर मेरे को आदत लगी कि मैं लगाता हूँ, तो उसने पहले ही वहाँ आवाज़ आता है टैप टैप, तो वहाँ पहले क्लिप लगा के रखी थी, तो मैंने ड्राइवर को डांटा। ये 4 मुख्यमंत्रियों की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन आदमी की नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला निकालो ये कहाँ बेल्ट का है, बोले सब पीछे लटका के रखा। मतलब क्यों लटकाया, निकालो, तब तक गाड़ी नहीं चालू करना। फिर मैंने लटका कर घुमा कर वो लगाया, तो ऐसी क्लिप मिलती है मार्केट में, और आप जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग वो आवाज़ न बजे इसलिए क्लिप लगा देते हैं और बेल्ट नहीं लगाते। अब ये हियर वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पीपल। अब मैंने नियम बना लिया कि नहीं, अब वो कैमरे में आएगा कि तुमने बैग नहीं लगाया बेल्ट, तुमको फाइन होगा। तो समटाइम आप मीडिया के लोग भी इसको करिए कि भाई बेल्ट लगा नहीं है। अब ये स्थिति अगर मैं 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के गाड़ी में बैठकर वो क्लिप लगी थी, अब मैंने वो क्लिप पर बंदी लगी, चारों में क्लिप लगी थी, चारों के सीएम्स के, तो मैंने अभी उसके ऊपर भी ऑर्डर निकाला है कि ऐसी क्लिप मैन्युफैक्चरिंग करना लगाना गुना होगा, उसके ऊपर अभी ऑर्डर निकाला है। ये दिस इज द प्रॉब्लम, हियर वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल। ये सब लोग अभी काफी लोगों के यहाँ है, अब यहाँ बैठे हुए लोग भी होंगे ना, तो इनकी अच्छी गाड़ी होगी और वो ड्राइवर के पास एक क्लिप होगी, वो सामने वाला लगाता है आवाज आता है तो वो बराबर क्लिप लगा देता है। यहाँ भी कोई बताएगा आपको ऐसा मत करिए।